हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। हमने शुरू की हुई अपनी थर्ड यूनिट यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारी टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में। हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में कि हमारे पास पांच प्रकार की रोलिंग मिल्स होती है। कौन कौन सी? टू हाई रोलिंग मिल्स, थ्री हाई रोलिंग मिल्स, फोर हाई रोलिंग मिल्स, क्लस्टर रोलिंग मिल्स, कंटिन्यूस रोलिंग मिल्स। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में अपनी पहली रोलिंग मिल्स के बारे में, टू हाई रोलिंग मिल्स की। क्या बात की थी कि जो हमारे टू हाई रोलिंग मिल्स है इसके अंदर हम दो रोलर्स का यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू रोलर्स विच रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो क्या करते हैं, दो रोलर्स का यूज करते हैं टू हाई रोलिंग मिल्स के अंदर, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो क्या करते हैं, बॉड इनवर्ड जो हमारे पास वर्कपीस होता है उस वर्कपीस को उन दो रोलर्स के बीच में से पास करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कंप्रेस्ड कर देते हैं हमारे वर्कपीस को। कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो वर्कपीस है, वर्कपीस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है और जो हमारी लेंथ है वर्कपीस की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जिसके अंदर हम दो रोलर्स का यूज करें तो वो हमारी कहलाएगी टू हाई रोलिंग मिल्स। जिस भी रोलिंग मिल्स के अंदर हम टू रोलर्स का यूज कर रहे हैं वो हमारी कौन सी होगी, टू हाई रोलिंग मिल्स। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड रोलिंग मिल्स के बारे में, यानी कि थ्री हाई रोलिंग मिल्स। थ्री यानी कि इसके अंदर हम तीन रोलर्स का यूज करेंगे। थ्री मतलब इसके अंदर जो हम रोलर्स यूज करेंगे वो हम कितने यूज करेंगे, तीन रोलर्स का यूज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मान लीजिए ये हमारे पास एक वर्कपीस है, ये हमारे पास एक वर्कपीस है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड वर्कपीस, ये हमारे पास क्या है सेकंड वर्कपीस। तो ये हमारे पास क्या है, दो वर्कपीस है, लेकिन दो वर्कपीस के अंदर जो हम रोलर्स यूज करेंगे वो हम कितने यूज करेंगे, तीन रोलर्स। एक रोलर्स हमारा आ जाएगा यहां पे, दूसरा रोलर आ जाएगा यहां पे और तीसरा रोलर आ जाएगा यहां पे। तीन रोलर्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारी थ्री हाई रोलिंग मिल्स के अंदर। थ्री हाई रोलिंग मिल्स के अंदर हम क्या करेंगे, तीन रोलर्स का हम यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या है, वर्कपीस है दोनों, ये हमारे पास क्या है वर्कपीस है और ये अपर रोलर, ये हमारा कहलाता है। इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ से, यानी कि ये क्या कर रहा है नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसी तरह ये भी इसकी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन जो हमारा ये वाला होगा इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा कहलाएगा अपर रोलर, अपर रोलर। ये हमारा जो होगा ये होगा लोअर रोलर, इनको क्या बोलेंगे लोअर रोलर। और जो हमारा बीच का होगा इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा होगा मिडल रोलर, मिडल। ये हमारा कहलाएगा मिडल। रोल भी लिख सकते हो अकेला या फिर रोलर लिख लोगे, ठीक है, रोल भी लिख सकते हो, रोलर भी लिख सकते हो। तो ये हमने क्या बात की, ये हम बात कर रहे हैं हमारी किसके बारे में, थ्री हाई रोलिंग मिल्स के बारे में। जो हम बात कर रहे हैं ये किसके बारे में कर रहे हैं, थ्री हाई रोलिंग मिल्स के। तो क्या लिखेंगे कि टू एलिमिनेट द डिसएडवांटेज ऑफ टू हाई रोलिंग मिल्स। कि कई बार क्या होता है कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, कुछ डिसएडवांटेज होती है हमारी टू हाई रोलिंग मिल्स के अंदर, तो उन डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं थ्री हाई रोलिंग मिल्स का। हम किसका यूज कर लेते हैं, थ्री हाई रोलिंग मिल्स का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन रोलर्स का यूज करते हैं, अब वन अबव एंड अदर, यानी कि एक फिर सेकंड फिर थर्ड, तीन रोलर्स का हम यूज करते हैं। और क्या करते हैं, इन रोलर्स के अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, जो हमारा मिडल डायरेक्ट मिडल वाला होता है, इसकी डायरेक्शन सिर्फ होती है अपोजिट, लेकिन जो अपर और लोअर होगा इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी। तो देखो थ्री हाई रोलिंग मिल्स के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड, ये हम यूज्ड किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द डिसएडवांटेज ऑफ टू हाई रोलिंग मिल्स। की दो हाई, जो हमारा टू हाई रोलिंग मिल्स है उस रोलिंग मिल्स के अंदर कई बार क्या रह जाती है, कुछ डिसएडवांटेज होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाती है, यानी कि कुछ रह जाता है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उन डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए, उनको यानी कि जो प्रॉब्लम्स रह रही हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं थ्री हाई रोलिंग मिल्स का। इसके अंदर क्या है, हम तीन रोलिंग मिल्स का यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, तीन रोलर का यूज करते हैं। फर्स्ट रोलर, ये हमारा पहला अपर,
अपर मिडल और थर्ड तीन रोलर का यूज किया, ये हमारे पास वर्कपीस है, तो वर्कपीस इस तरह से रोटेट करेगा, फिर ये रिवर्स पास करेगा, किस तरह से काम करेगा, रिवर्स पास करेगा, यानी कि पहले इस तरफ जाएगा रोलर, फिर घूम के वो इस तरफ आएगा, इस तरह से रोलर हमारा वर्कपीस क्या करेगा, मूव करेगा, वर्कपीस क्या करेगा, मूव करेगा। तो थ्री हाई रोलर्स के बीच में हम यही लिखेंगे कि जो भी हमारी डिसएडवांटेज है टू हाई रोलिंग मिल्स की, उनको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं थ्री हाई रोलिंग मिल्स का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन रोलर्स का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, थ्री रोल्स आर यूज्ड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन रोल्स का यूज करते हैं। वन पहले कौन सा होता है, अपर रोलर, पहले वाला अपर रोलर, दूसरे वाला मिडल रोलर, तीसरे वाला रोलर रियर सॉरी लोअर रोलर। जो हमारा अपर है, अपर एंड लोअर रोलर रोअर रोल्स हैज सेम डायरेक्शन, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है, सेम डायरेक्शन। कि जब भी हम बात करेंगे थ्री हाई रोलिंग मिल्स की, तो थ्री हाई रोलिंग मिल्स के अंदर क्या होगा, जो हमारा अपर रोलर है और लोअर रोलर है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो हमारा मिडल रोलर है, जो हमारा क्या है, मिडल मिडल रोल हैज अपोजिट डायरेक्शन, इसकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट क्या होगी, डायरेक्शन होगी, किसकी, मिडल रोलर की। तो पता लगा हाई रोलर्स के बारे में, थ्री हाई रोलर्स के बीच में किसका हम यूज करते हैं, जो भी डिसएडवांटेज है हमारी टू हाई रोलर्स की उनको एलिमिनेट करने के लिए। इसके अंदर हम तीन रोलर का यूज करते हैं, अपर रोलर, मिडल रोलर और लोअर। उसके बाद जो हमारा अपर है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों रोलर्स की जो डायरेक्शन है, रोटेट करने की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मिडल रोलर की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी दोनों से। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा है थ्री फोर हाई रोलिंग मिल्स, ये तो हमने बात की थ्री हाई रोलिंग मिल्स के बारे में, अब हम बात करते हैं हमारी फोर हाई रोलिंग मिल्स के बारे में, बात करेंगे फोर हाई रोलिंग मिल। थर्ड पॉइंट के अंदर हमारा कौन सा पार्ट आएगा, फोर हाई रोलिंग मिल। तो फोर हाई रोलिंग मिल के अंदर भी सेम इसी तरह होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक हमारे पास ये वर्कपीस, एक हमारे पास रोलर है, फिर इसके साथ क्या होगा, एक छोटा सा रोलर अटैच होगा, इसके साथ क्या होगा, एक छोटा रोलर अटैच होगा। मान लीजिए ये रोलर इसके साथ अटैच है, एक रोलर बड़ा रोलर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, छोटा रोलर आ गया, एक रोलर इसके बीच में से क्या कर रहा है, वर्कपीस रोटेट कर, वर्कपीस क्या कर रहा है, पास कर रहा है, इसके बीच में से क्या हो रहा है, हमारा वर्कपीस पास कर रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, रोलर है, इसी तरह हमारा एक छोटा ये वाला रोलर आ गया, इसके साथ एक बड़ा रोलर अटैच होगा, और जो वर्कपीस है वो यहां से इस तरह से चल रहे हैं वर्कपीस, और वो यहां से इस तरह जा रहे हैं नीचे, यानी कि यहां से वो क्या हो रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो रही है, यहां से क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है। तो ये हमने बात की है हमारी फोर रोलिंग मिल्स के बारे में, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा है फोर हाई रोलिंग मिल्स, कि जिसके अंदर हम फोर यानी कि चार रोलिंग मिल्स का यूज करें वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है फोर हाई रोलिंग मिल्स। इसके अंदर क्या होता है, अपर बैकअप रोल, ये हमारा क्या कहलाता है, अपर वर्किंग रोल। इसी प्रकार ये हमारा होता है लोअर बैकअप रोल, ये हमारा होता है लोअर वर्किंग रोल। तो इनके बारे में नाम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, अपर बैकअप रोल, यानी कि बैकअप करने का काम क्या करता है हमारा इस रोल, ये हमारा होता है अपर वर्किंग रोल। इसी तरह इसको हम बोलते हैं हमारा, जो ये हमारा क्या होता है, लोअर वर्किंग रोल, और इसको हम बोलते हैं लोअर बैकअप रोल, बैकअप रोल, ये हमारा क्या कहलाता है, बैकअप रोल। और ये आपको पता ही है, ये हमारा क्या होता है, वर्कपीस, ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, जो इनकी डायरेक्शन है, ये तो डायरेक्शन रोटेट करेगा इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये करेगा इस तरह से रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो हमारा अपर बैकअप रोल है वो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो अपर वर्किंग रोल होगा
होगा वो हमारा क्या रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम एज इट वैसे ही होगा, ये वाला नीचे की तरफ करेगा यानी कि जो हमारा लोअर वर्किंग रोल है वो रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह नीचे की डायरेक्शन में रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये हमारा क्या कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो फॉर हाई रोलिंग मिल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ फोर रोल्स, इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर रोल्स, दो रोल्स होते हैं, दो छोटे रोल्स एंड दो बड़े रोल्स, कि टू स्मॉल रोल्स टू बिगर रोल्स, जो छोटे रोल्स होते हैं वो दोनों हमारे कहलाते हैं वर्किंग रोल, जो हमारे दो बड़े रोल होते हैं वो हमारे दोनों होते हैं बैकअप रोल, वो हमारे क्या कहलाते हैं बैकअप रोल, और इनका यूज हम करते हैं वो यानी कि दोनों के लिए, जो हमारी कोल्ड और हॉट रोलिंग होती है उन दोनों प्रोसेस के अंदर हम इस तरह की प्रोसेस का यानी कि फॉर रोलिंग फॉर हाई रोलिंग मिल्स का यूज करते हैं, फॉर हाई रोलिंग मिल्स का यूज कर लेते हैं। इनके अंदर डायरेक्शन की अगर बात करें तो जो हमारे अपर रोलर है यानी कि अपर रोलिंग मिल्स है और लोअर रोलिंग मिल्स है, अपर और जो हमारा ये वाला रहेगा अपर वर्किंग, इन दोनों की डायरेक्शन अलग रहेगी, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या रहेगी अपोजिट रहेगी, इन दोनों की डायरेक्शन जो हमारा अपर बैकअप रोलर है और लोअर वर्किंग रोलर है इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, इसी तरह हमारे अपर रोलिंग अपर वर्किंग और लोअर बैकअप इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किसकी होगी अपर, जो हमारा अपर बैकअप है अपर बैकअप, और इसी तरह हमारा जो ये वाला है यानी कि ये कौन सा है लोअर लोअर वर्किंग, इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, इन दोनों की डायरेक्शन रहेगी सेम रोटेट करने की डायरेक्शन, इसी तरह हमारा जो ये आ जाएगा अपर वर्किंग अपर वर्किंग अपर वर्किंग और नीचे क्या है हमारा लोअर बैकअप, लोअर जो हमारा लोअर है बैकअप है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी। तो हाई रोलिंग मिल्स के बारे में पता लगा कि हाई रोलिंग मिल्स के अंदर हम चार रोलर्स का यूज करते हैं, दो बड़े रोलर्स का यूज करते हैं, दो छोटे रोलर्स का यूज करते हैं, जो दो बड़े रोलर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं बैकअप रोलर यानी कि एक अपर बैकअप दूसरा लोअर बैकअप, इसी प्रकार जो छोटे रोलर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं वो कौन से होते हैं वर्किंग रोलर, एक हमारा अपर वर्किंग दूसरा हमारा होता है लोअर वर्किंग, और जो डायरेक्शन की अगर बात करें तो हमारा जो अपर बैकअप रोलर है और हमारा लोअर वर्किंग रोलर है यानी कि इसकी और इसकी इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है सेम रहती है, इसी तरह हमारा जो वाला ये अपर वर्किंग और लोअर बैकअप रोलर इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या रहेगी सेम रहेगी, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या रहेगी सेम रहेगी। ये तो हमने बात की हमारे फॉर हाई रोलर के, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट हमारा कौन सा है क्लस्टर रोलिंग मिल्स, बात करते हैं क्लस्टर रोलिंग मिल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लस्टर रोलिंग मिल्स, फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लस्टर रोलिंग मिल्स। तो क्लस्टर रोलिंग मिल्स के अंदर क्या है, इसके अंदर भी हम चार रोलर्स का यूज करते हैं जो कि हमारे होते हैं एसेंशियल, इफ फॉर हाई रोलिंग मिल्स इज एसेंशियल ए टू हाई रोलिंग मिल्स विल स्मॉल साइज, दो तो हमारे स्मॉल साइज के, चार रोलिंग मिल्स हम यूज करते हैं हमारे बड़े साइज के। तो इसके अंदर हम किस तरह से करते हैं, मान लीजिए एक हमारा ये रोलर रहा, इसके साथ ही एक रोलर हमारा ये रहा, और इन दोनों रोलर्स के बीच में हम यहाँ पे एक यूज करते हैं छोटे रोलर्स का, हम किसका यूज करते हैं, एक यूज कर लेते हैं इस तरह से छोटे रोलर का, इसी तरह हम नीचे भी एक बड़ा रोलर ये रोलर और यहां पे एक यूज कर लेते हैं हमारे छोटे रोलर का, एक हम किसका यूज करते हैं छोटे रोलर का। और एक हम कर लेते हैं हमारे स्मॉल रोलर का, ठीक है, ये हमारा क्या है छोटा रोलर है, इसको हम क्या थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ये क्या है इस तरह से स्मॉल रोलर्स है। तो जो हमारा वर्क पीस है मान लीजिए इतनी लेंथ का है, तो वो वर्क पीस क्या करेगा इस तरह से, वर्क पीस क्या करेगा इस तरह से पास करवाएगा हमारे इसके अंदर से, वो क्या करेगा इस तरह से पास करेगा, ठीक है पास करेगा, तो ये
सेक्शनिंग कर देते हैं। ठीक है, रोलर्स पास करा दे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हम बात करेंगे क्लस्टर रोलिंग मिल्स के अंदर, तो क्लस्टर रोलिंग मिल्स के अंदर हम क्या करते हैं, दो तो बड़े रोल यानी कि चार तो बड़े रोलर्स का यूज करेंगे, दो छोटे रोलर्स का यूज करेंगे, दो छोटे रोलर्स का, जो इनकी डायरेक्शन होगी। मान लीजिए इस तरह से ये हमारा पेंट, इनको पॉइंट बना देते हैं प्रॉपर। ये हमारे क्या है, रोलर्स हैं, ये हमारे क्या है, रोलर्स हैं। इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं, जो इसकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दोनों हमारे कौन से हैं, ये है अपर बैकअप रोलर, ये हमारे कौन से हैं, अपर बैकअप रोलर। इसी प्रकार इसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगी। इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, ये हमारे दोनों कहलाएंगे अपर बैकअप रोलर। ठीक है, रोल बैकअप रोल, ये हमारे क्या है, अपर बैकअप रोल। इसी तरह इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, यानी कि ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा कहलाता है वर्किंग रोलर। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा कहलाएगा वर्किंग रोल, वर्किंग रोल। इसी तरह ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वर्किंग रोल, वर्किंग रोल। और जो नीचे वाले होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, बैकअप रोलर। तो इनकी डायरेक्शन भी इस तरह से यानी कि नीचे की तरफ जारी होगी, ये भी नीचे की तरफ जारी होगी, लेकिन ये कहां जारी होगी, ये ऊपर की तरफ जारी होगी, इस तरफ से जारी होगी ऊपर की तरफ। तो ये हमारा वर्किंग रोलर, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, बैकअप लोअर, लोअर बैकअप रोल। ये हमारे क्या कहलाएंगे, लोअर बैकअप रोल। ये हमारा क्या होगा, वर्क पीस होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्क पीस होगा। तो क्लस्टर रोलिंग मिल्स के अंदर देख लीजिए, क्लस्टर रोलिंग मिल्स हमारे पास क्या है, क्लस्टर रोलिंग मिल्स। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, चार जो रोलर्स है हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जब यूज करेंगे फॉर बिगर साइज रोल, चार तो बड़े साइज के एंड टू स्मॉल साइज, और दो हम यूज करते हैं स्मॉल साइज रोल्स का। जब हम बात करते हैं हमारी क्लस्टर रोलिंग मिल्स के बारे में, तो क्लस्टर रोलिंग मिल्स के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इसके अंदर हम छह रोलर्स का यूज करेंगे। चार तो जो हमारे होंगे, चार हमारे होंगे बड़े साइज के, जो दो रोलर्स हम यूज करेंगे वो हमारे होंगे स्मॉल साइज के यानी कि छोटे साइज के। जो दोनों है, जो चार मतलब चारों हमारे अपर की साइड दो और लोअर साइड दो, दोनों अपर और लोअर साइड के जो बिग साइज के हमारे रोलर है वो तो हमारे कहलाते हैं बैकअप रोलर। यानी कि जो हमारे चार रोलर है बिग साइज के वो हमारे कहलाते हैं बैकअप रोलर। वो हमारे कौन से होंगे, वो होंगे बैकअप रोलर, वो हमारे कहलाएंगे बैकअप रोल, वो हमारे होते हैं बैकअप रोल। लेकिन जो हम छोटे साइज के दो रोलर यूज करते हैं वो हमारे होते हैं वर्किंग रोल, उनको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं वर्किंग रोल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे बैकअप रोल रखना भी जरूरी होता है ताकि हम बेटर जो भी क्या है, जो रिड्यूस कर सके, प्रॉपरली हम रिड्यूस कर सके हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया को, लेंथ को इंक्रीज कर सके। तो ये तो हमने बात की हमारी टू हिल किसके बारे में, क्लस्टर रोलिंग मिल्स के बारे में। क्लस्टर रोलिंग मिल्स के अंदर क्या होते हैं, छह हम रोलिंग मिल्स का यूज करते हैं, रोल्स का यूज करते हैं, चार बड़े साइज के और दो छोटे साइज के। बड़े साइज के जो रोलर्स होते हैं वो हमारे बैकअप रोलर होते हैं यानी कि दो अपर और दो लोअर। इसी प्रकार जो दो छोटे रोलर्स यूज करते हैं, एक अपर साइड वर्किंग रोलर होता है, एक नीचे की साइड लोअर वर्किंग रोलर होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट प्रोसेस के बारे में, लास्ट हमारी कौन सी है, कंटिन्यूस रोलिंग मिल। लास्ट हमारी कौन सी है, कंटिन्यूस रोलिंग मिल। तो कंटिन्यूस रोलिंग मिल्स के बारे में देख लीजिए, इन दिस टाइप ऑफ रोलिंग नंबर ऑफ नॉन रिवर्सिंग टू हाई मिल्स, यानी कि इसके अंदर एक सीरीज के अंदर, यानी कि एक सीरीज के अंदर हम क्या कर देते हैं, काफी तरह के टू हाई रोलिंग मिल्स का हम यूज कर लेते हैं। जब आपको बताया था ना कंटिन्यूस रोलिंग मिल्स के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो रोलिंग मिल्स का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरफ से यहां पे कर लेते हैं कि एक रोलिंग मिल्स हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह नीचे यहां पे, यहां पे, यहां पे, इनके बीच में से क्या करते हैं, हम हमारे वर्क पीस को क्या करवाते हैं, पास करवाते जाते हैं। अलग अलग तरह से क्या करते हैं, हमारे वर्क पीस को हम इनमें से पास करवाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारी कहला देती है कंटिन्यूस, ये हमारी क्या होती है कंटिन्यूस, इसको हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूस रोलिंग मिल्स। यानी कि जिसके अंदर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रोलिंग मिल्स ए नंबर ऑफ नॉन रिवर्सिंग टू हाई मिल्स
आर अरेंज्ड इन ए सीरीज एंड मटेरियल इज पास्ड फ्रॉम ईच रोल, और हर रोल के अंदर में, हर रोलिंग में से क्या करता है, हमारा मटेरियल पास करता है। मान लीजिए जैसे कि यही है इसके अंदर, तो हमने जैसे अलग अलग लगाए हैं टू रोलिंग, जैसे हमने सबसे पहले बात की थी टू हाई रोलिंग मिल्स के अंदर, उसी तरह हम क्या करेंगे, दो रोलर्स यहाँ पे, दो रोलर यहाँ पे, दो रोलर यहाँ पे, दो रोलर यहाँ पे, तो हर रोलर के बीच में से हम क्या करेंगे, हमारी मेटल को पास करवाएंगे, हमारी मेटल जो होगी उस मेटल को हम पास करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, अलग अलग अपनी शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को तैयार करते रहेंगे, रोलर कंप्रेस्ड करते रहेंगे, रिड्यूस करते रहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और लेंथ को क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करेंगे, लेंथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमने बात की हमारे टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में, कि हमारे पांच प्रकार के रोलिंग, टू हाई रोलिंग मिल्स दो रोल का यूज करते हैं, थ्री के अंदर तीन रोलिंग मिल्स का यूज करते हैं, फोर रोलिंग मिल्स के अंदर चार रोलिंग मिल्स का यूज करते हैं। जब हमने बात की क्लस्टर रोलिंग मिल्स के बारे में, तो इसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे छह रोलिंग मिल्स का यूज करते हैं। फिर हमने बात की कंटिन्यूस रोलिंग मिल के अंदर, इसके अंदर हम नॉन रिवर्सिंग, यानी कि जो नॉन रिवर्स होने वाले होते हैं, नंबर ऑफ टू हाई रोलिंग मिल्स का, यानी कि काफी सारे टू हाई रोलिंग मिल्स का यूज करते हैं, जो कि नॉन रिवर्स डायरेक्शन के होते हैं, नॉन रिवर्सिंग डायरेक्शन होते हैं, और हर रोल से हम हमारे मेटल को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। हर मेटल में से हम क्या करते हैं, हमारे मेटल को क्या करते हैं, पास करवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे रोल पास के बारे में, रोल पास के बारे में। ये तो हमने बात की टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में, एक हम टॉपिक है हमारा रोल पास। ठीक है, रोल पास के बारे में कि रोल पास क्या होता है, रोल पास के अंदर क्या प्रोसेस है हमारी, कि जब भी हम रोल के अंदर से पास करवाते हैं हमारे मटेरियल को, तो तीन स्टेप के अंदर हमारा मटेरियल पास करता है हमारे रोल में से, जो भी हमारे रोल्स है उन रोल के अंदर से तीन स्टेप में, तीन स्टेप होते हैं जिन स्टेप से वो पास करता है। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, रोल पास, क्या है, रोल पासेस। तो रोल पासेस, जैसा कि आपको बताया कि जब भी हम मटेरियल है, जो हमारा मेटल है, हमारी इन हॉट इनगॉट है, उसको जब हम टू रोलर्स के बीच में से, दो रोलर्स के बीच में से पास करवाते हैं, तो वो तीन स्टेप होते हैं, तीन स्टेप को वेरीफाई करता है, यानी कि तीन स्टेप को फॉलो करता है, उन स्टेप के द्वारा वो हमारी लास्ट में फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचाता है, फिनिश शेप तक पहुंचाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है ब्रेकडाउन पास, सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है ब्रेकडाउन पास, ब्रेक डाउन पास। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पास आएगा वो हमारा कहलाता है रफिंग पास, रफिंग पास। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आएगा ये हमारा होता है फाइनल, या फिर बोल सकते हो फिनिशिंग पास, फिनिशिंग पास, फिनिशिंग पास। तो तीन तरह के हमारे क्या होते हैं, पास होते हैं, तीन स्टेप होते हैं जिन स्टेप के क्या करते हैं, रोलिंग हमारा पास करते हैं, यानी वो जो वर्क पीस है हमारी हॉट एंड गॉट है वो इनमें से पास करती है। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन पास के अंदर क्या करते हैं, दीज आर यूज फॉर रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया नियर टू द डिजायर, व्हाट इज डिजायर, यानी कि यहां से हमने जिस एरिया से, जिस मेटल के एरिया से हमने रिड्यूस करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया को, उसको रिड्यूस करने का काम करता है ब्रेक डाउन पास। क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द, इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द, रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ द डिजायर शेप, जहां से हमें चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया नियर, नियर, नियरर टू व्हाट इज डिजायर, नियरर टू व्हाट इज डिजायर, टू व्हाट इज डिजायर, कि जहां से हमें डिजायर है वहां से हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, उस स्टेप को, उस पास को हम बोल देते हैं ब्रेक डाउन पास, वो हमारा कौन सा कहलाता है, ब्रेक डाउन पास। तो ब्रेक डाउन पास के अंदर पता लगा कि दीज आर यूज फॉर रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया नियर टू व्हाट इज डिजायर, कि जहां से हमें जरूरत है उसके पास से, उसके नजदीक से क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करना किस पास के अंदर आता है, वो हमारा कहलाता है ब्रेक डाउन पास। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सेकंड, यानी कि रफिंग पास। इसके अंदर क्या है, इन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया गेट्स रिड्यूस्ड
बट अलॉन्ग विथ इट शेप ऑफ रोल्ड मटीरियल कम्स इनटू द फाइनल शेप। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेप के अंदर हमारा जो एरिया है, एरिया तो रिड्यूस हो चुका है, एरिया इज रिड्यूस्ड, बट इसके अंदर क्या होता है, एरिया तो रिड्यूस हो गया लेकिन जो हमारा क्रॉस सेक्शन, जो हमारी शेप है, फाइनल शेप है, वो फाइनल शेप के नजदीक आना शुरू कर देती है हमारी रोलिंग वाली शेप। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया इज रिड्यूस्ड बट शेप ऑफ द, बट शेप ऑफ द रोल्ड मटीरियल, रोल्ड मटीरियल, जो हमारी रोल्ड मटीरियल की शेप है वो कम नियर आ जाती है, रोल्ड मटीरियल कम्स नियर, कम्स नियरर टू द फाइनल शेप, फाइनल शेप। यानी कि सेकंड प्रोसेस के अंदर हमारा एरिया रिड्यूस हो चुका है, लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, होने के बाद जो हमारी रोल्ड शेप है, यानी कि जिसको हम रोलिंग कर रहे हैं मटेरियल को, उसकी शेप हमारी फाइनल शेप के बिल्कुल आसपास आ जाती है, यानी कि फाइनल शेप के कन्वर्ट होने के बिल्कुल आसपास आ जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो होती है हमारी रफिंग पास, वो हमारा कौन सा कहलाता है, रफिंग पास। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट यानी कि फिनिशिंग पास के बारे में। These are the final pass which give the required shape of the rolled material. जो भी हमारा rolled section है, उसके अंदर final shape produce करने के लिए, शायद final shape देने के लिए हम किसका use कर लेते हैं, finishing pass का। तो क्या होता है? It gives the final shape in the rolled section. यानी कि जहाँ पे rolling हो रही है उस सेक्शन के अंदर फाइनल शेप देने के लिए, फाइनल शेप प्रोड्यूस करने के लिए, मेक करने के लिए हम यूज कर लेते हैं रफिंग, लास्ट फिनिशिंग पास का। तो देखिए हमने बात की रोल पास के अंदर, रोल पास के अंदर क्या है, हमारे पास तीन क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, सबसे पहले ब्रेकडाउन पास, सेकंड वन हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड होगा रफिंग पास, तीसरा हमारा है फिनिशिंग पास। तो ब्रेकडाउन पास के अंदर क्या है, ब्रेकडाउन पास का काम होता है रिड्यूस करना क्रॉस सेक्शनल एरिया को, कहां से, जहां से हमें चाहिए, यानी कि नियर टू व्हाट इज डिजायर, जहां से हमें चाहिए उसके नजदीक से क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करने का काम करता है ब्रेकडाउन पास। सेकंड पास होता है रफिंग पास। इस पास के अंदर क्या होता है, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमारा एरिया है वो तो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन रफिंग पास के अंदर क्या होता है, जो हमारी रोल्ड शेप है, यानी कि जिस शेप की हम रोलिंग कर रहे हैं, वो शेप हमारी फाइनल शेप के बिल्कुल आसपास पहुंच जाती है, यानी कि नियर आ जाती है। थर्ड स्टेप है हमारा फिनिशिंग पास। फिनिशिंग पास के अंदर क्या होगा, इट इज गिव्स द फाइनल शेप इन द रोल्ड सेक्शन। फिनिशिंग पास के अंदर जस्ट क्या होगा, हमारी जो शेप रफिंग पास के अंदर नियर आ चुकी है फाइनल शेप के अंदर, उसको पूरी तरह से फाइनल शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है हमारा फिनिशिंग पास। तो ये हमारा क्या रहेगा, तो इस लेक्चर में हमने बात की रोलिंग के बारे में कि किस तरह से रोलिंग होती है, रोलिंग के बारे में हमने बात की टाइप्स ऑफ रोलिंग के बारे में कि दो तरह की, हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग पे। फिर हमने टाइप ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में बात की कि जो हमारी 2 high rolling mills होती है, 3 high rolling mills होती है, 4 high rolling mills होती है, cluster rolling mills होती है और continuous rolling mills। अब हमने बात की last में roll pass के बारे में कि तीन प्रकार के हमारे roll pass होते हैं, breakdown pass, roughing pass और हमारा finishing pass। Next lecture में आगे हम बात करेंगे हमारी extrusion process के बारे में कि extrusion process क्या होती है, hot extrusion, cold extrusion क्या होती है, pipe, जो हमारी pipe wiring होती है, pipe और tube ड्राइंग होती है वो क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।